हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ट्रिपल सी के इस छठवें सेट में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिपल सी का पेपर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है या उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आइए, ऑप्शन ए फादरबोर्ड, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कंप्यूटर में होता है वो क्या होता है, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, यूपीएस का कार्य क्या है। ठीक है, यूपीएस का कार्य है, अब क्या कार्य है देखते हैं, कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, यूपीएस क्या करता है, कंप्यूटर को निर्बाध क्या करता है, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है, ए आईबीएम को, बी एचसीएल को, डी एफसी को, सी डीईसी को या डी एचपी को। तो इसका सही आंसर है ए आईबीएम को, आईबीएम का प्रोसेसर आता है। ठीक है, तो आईबीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कब किया जाता है और क्यों। ठीक है, अब देखिए, पहला क्या है, ए कंप्यूटर को बंद करने के लिए, बी कंप्यूटर को चालू करने के लिए, सी कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी कंप्यूटर को सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमको क्या करते हैं, रीसेट का बटन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर की जो सप्लाई है वो भी बंद नहीं होगी और कंप्यूटर फिर क्या होगा, पुनः चालू। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पेन ड्राइव सब लोग कंप्यूटर में लगाते हैं तो किस चीज़ से जोड़ते हैं। ठीक है, ए यूएसबी पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, सी सीरियल पोर्ट या डी नेटवर्क पोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, ए यूएसबी पोर्ट। ठीक है, जिस पोर्ट में पेन ड्राइव लगती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से या प्रिंटर को कंप्यूटर या सीपीयू से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ए यूएसबी पोर्ट, बी नेटवर्क पोर्ट, सी सीरियल पोर्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ए यूएसबी पोर्ट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ए यूएसबी पोर्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, यूएसबी पोर्ट से किस चीज़ को नहीं जोड़ा जा सकता है। ए माउस, बी प्रिंटर, सी पेन ड्राइव या डी हार्ड डिस्क। ठीक है, ए माउस, बी प्रिंटर, सी पेन ड्राइव या डी हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर क्या है, बी प्रिंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है। ठीक है, कंप्यूटर में जब पावर सप्लाई सिस्टम होता है तो उसके लिए एसएमपीएस लगाते हैं, उसका क्या फुल फॉर्म है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, ए स्विच मोड पावर सप्लाई, बी सर्विस मोड पावर सप्लाई, सी श्योर मोड पावर सप्लाई या डी सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है 8 का, ए स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका सही आंसर क्या है, ए स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसर उसमें लगी होती है उसकी स्पीड को कैसे नापा जाता है, ठीक है, या कैसे मापा जाता है, ए बीपी, बी एमआई, सी बॉन्ड या डी हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी हर्ट्ज,
हर्ट्ज वो यूनिट है जिससे हम लोग क्या नापते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ठीक है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन जोड़ता है? अगर साउंड कार्ड है तो उसको कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ए बस, बी सीपीयू, सी यूएसबी या डी मीडी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी मीडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता क्या प्रदान करते हैं? देखिए, ए सॉकेट, बी स्लॉट, सी बाइट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 11 का बी, स्लॉट्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी इनपुट डिवाइस या डी सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या है? 12 का सही आंसर है डी, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट ही आपका क्या होता है, मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? डी, सिस्टम यूनिट। 11, 13 क्वेश्चन देखते हैं। मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिडी का फुल फॉर्म ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बी माउस इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, सी म्यूजिकल इंटरचेंज डिजिटल इंटरफेस या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिकोड इन्वर्टर। तो इसका सही आंसर है 13 वाले का ए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये इसका सही आंसर है। किसका सही आंसर है भाई? मीडी का फुल फॉर्म क्या है? मीडी का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? ठीक है, इसमें से किसने लेजर का आविष्कार किया है? क्वेश्चन नंबर 14। ए थियोडर मेनन ने, बी डेनिस पेपिंग ने, सी थविलियम कार्टन ने या डी फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए थियोडर मेनन ने। ठीक है, थियोडर मेनन ने क्या, मेमन ने क्या किया था? लेजर का आविष्कार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए क्वार्टस क्रिस्टल, बी टाइरनियस निडाल, सी लेजर बीम या डी वेरिनियम टाइटेनिक सिरेनियम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सी लेजर बीम। ठीक है, वेरिनियम टाइटेनिक सिरेमिक या टाइटेनियम निडाल ये सब नहीं है, इसका सही आंसर है सी लेजर बीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। डीडीपी क्या दर्शाता है? ठीक है, डीडीपी दर्शाता है क्वेश्चन नंबर 16 में डॉट पर इंच, डिजिट पर इंच, डॉट पिक्सल इंच या डायग्राम पर इंच। ठीक है, तो 16 का सही आंसर है ए डॉट पर इंच। ठीक है, डॉट पर इंच होता है क्या डी टी पी का फुल फॉर्म। 17, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जब एक चीज होती है कर्सर टाइप की, ठीक है, ब्लिंक करती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? ए माउस, बी हार्ड ड्राइव, सी पॉइंटर या डी कर्सर। तो हमने क्या बताया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डी कर्सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, डेस्कटॉप छपाई में किस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं? ए डेजी व्हील प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर किस लिए यूज़ करते हैं? डेस्कटॉप छपाई के लिए। ठीक है, बाकी ये जो नाम लिखे हैं ये भी प्रिंटर ही हैं। ठीक है, 19, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? नहीं पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी बार कोड या डी कार्ड रीडर। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है 19 का? डी कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? ए
वीडियो ग्राफिक अरे, बी विजुअल ग्राफिक्स अरे, सी वायलाइट ग्राफिक्स अरे, नहीं वोलाटाइल सॉरी वोलाटाइल ग्राफिक्स अरे, या डी वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। 21, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। अब टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है या कब किया जाता है? ठीक है, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक लाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने में दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। ऊपर तीनों जितने ऑप्शन दिए हैं ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों सही हो जाएंगे टैब के प्रयोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रोल ऑल्ट एंड डेल, ठीक है, बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का क्यों एक साथ यूज़ करते हैं, कब करते हैं? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, या कोई नहीं। इसका सही आंसर है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी प्रकाशीय पेन, या डी स्कैनर। तो इसका सही आंसर है डी स्कैनर। ठीक है, माउस जॉयस्टिक आपका ये प्रकाशीय पेन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट पेन, ये सब क्या है आपका? ये सब आपका पॉइंटर डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब बैंक में जो चेक और ड्राफ्ट होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? बार कोड, MICR, OMR, या UPC। ठीक है, तो आप लोग जब भी बैंक का चेक देखेंगे या क्या देखेंगे, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है MICR कोड। ठीक है, क्या होता है? MICR कोड। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग करते हैं उसको किस शीट पे करते हैं? OMR। देखिए इसका आंसर तो सामने आ गया, इसके लिए पढ़ना भी नहीं है। क्या हो गया वो? OMR शीट। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करिए और आंसर आपके सामने है। ठीक है, आइए तब भी पढ़ लेते हैं। OMR, बार कोड, माइकर और प्रकाशीय पेन। तो इसका क्या है? ए OMR। क्वेश्चन नंबर 26, डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? 26 का ए LED, बी फोटो डायोड, सी प्रकाशीय फिल्म, या डी प्रकाशीय पेन। तो इसका सही आंसर क्या है? 26 का, 26 का सही आंसर है फोटो डायोड। ठीक है, क्योंकि फोटो से रिलेटेड है तो क्या है? डिजिटल कैमरा। ठीक है, आइए 27, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। ठीक है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 27, ए डॉट पिच से, बी रेजोल्यूशन से, सी रिफ्रेश रेट से, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 27 का, डी उपयुक्त सभी। ऊपर दिए हुए सभी क्या हैं? सभी ऑप्शन आपके मॉनिटर की गुणवत्ता को जांचने में मदद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है। ठीक है, कितने मूल रंग होते हैं उसमें? ए 2, बी 3, सी 4, या डी रंगों की प्रकृति पर निर्भर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी 3। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बी 3। क्वेश्चन नंबर 29, लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। अब लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग किया जाता है? ए लेजर बीम, बी प्रकाशीय ड्रम, सी आवेशित स्याही टोनर, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ठीक है, अब इसमें से कौन सी एक ऐसी है जो यंत्र सामग्री नहीं है? देखते हैं, ए प्रिंटर, बी कीबोर्ड, सी माउस, डी प्रचालन यंत्र। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी प्रचालन यंत्र आपका क्या है? एक यंत्र सामग्री नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो दो टो आउटपुट है? ठीक है,
मॉनिटर व प्रिंटर, कीबोर्ड व माउस, सीडी व फ्लॉपी, या स्कैनर व प्रिंटर। ठीक है, तो अब दोनों एक साथ आउटपुट होने चाहिए, तो स्कैनर व प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट हो गया, प्रिंटर आउटपुट हो गया, सीडी व फ्लॉपी, ठीक है, दोनों इनपुट हो गया, कीबोर्ड और माउस ये भी इनपुट हो गया, मॉनिटर व प्रिंटर, तो मॉनिटर भी आपका आउटपुट है और प्रिंटर भी आपका आउटपुट है। ठीक है, आइए 32। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस का कौन सा टेक्निक है? ठीक है, अगर प्रॉपर्टी में जाना है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो क्या आप करेंगे, क्या प्रेस करेंगे? ए ड्रैगिंग करेंगे, बी ड्रॉपिंग करेंगे, सी राइट क्लिक, या डी लेफ्ट क्लिक। तो इसके लिए सही आंसर क्या है? सी राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे ऐसे, तो ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ की प्रॉपर्टी यहाँ नीचे लिखी होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी ALU, या डी CPU। ठीक है, 33 का आंसर क्या है? ए मॉनिटर। जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं वो कहाँ दिखता है? वो आपको दिखता है मॉनिटर पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट एक माध्यम है? ठीक है, कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, इसमें से कौन सा एक आउटपुट है? ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, या डी ALU। तो आपका स्कैनर, प्रिंटर और ALU क्या है? आपका सब इनपुट है, और सी प्रिंटर आपका आउटपुट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति। ठीक है, अगर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ आपको लिखना है या कुछ टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराना है, तो उसका सबसे आसान तरीका ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी स्कैनर, डी प्लॉटर। सबसे सही आसान तरीका क्या है? सामान्य मतलब कॉमन, ए कीबोर्ड, सब लोग कीबोर्ड से ही काम करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36। आउटपुट डिवाइस संभव बनाता है। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाता है? डेटा देखना या प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना, डेटा भेजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ए, डेटा देखना या प्रिंट करना, जैसे आपका मॉनिटर हो गया और प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर पे डेटा देख सकते हैं और प्रिंटर से डेटा का प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। अब डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कैसे तैयार की जाती है? प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, या सीडी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 37 का ए, प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ठीक है, जो आपको प्रिंट मिलता है वो आपकी हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? प्रिंटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। देखिए मॉनिटर आ गया, अभी हम लोग पढ़े मॉनिटर क्या है, आउटपुट, तो खत्म। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये भी खत्म। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये भी खत्म। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये तीनों क्या हैं आपके? ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस है। आइए क्वेश्चन नंबर 39। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? ए पिक्चर, बी टेक्स्ट, सी पिक्चर व टेक्स्ट, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। 40 क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। अब कौन सा ऐसा डिवाइस है ना जो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी कीबोर्ड, या डी पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान कौन बनाता है? आपका बी जॉयस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। सॉफ्ट कॉपी का एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। ए भौतिक पुर्जा, बी प्रिंटेड पुर्जा, सी प्रिंटेड आउटपुट, या डी आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या है? सी प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, जो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है ना, उसी का प्रिंटेड फॉर्म को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, आइए
कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो होती है ना उसे क्या कहते हैं? ए मॉडिफायर की, बी फंक्शन की, सी अल्फा न्यूमेरिक की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है 42 का? ए मॉडिफायर की, ठीक है। क्या है सही आंसर? ए मॉडिफायर की। क्वेश्चन नंबर 43, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ए OMR, बी बार कोड, सी OCR, या डी स्कैनर। तो 43 का सही आंसर क्या है? बी बार कोड। बार कोड को हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं और वो लाइनदार होती है, ठीक है। 44, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, ए फंक्शन, बी कंट्रोल, सी स्पेस बार, या डी एरो। इसका सही आंसर क्या है? बी कंट्रोल। ठीक है, क्या सही आंसर है? कंट्रोल को आप दबाएंगे किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए, ठीक है। 45, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा उद्योग, क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? ए बैंक, बी फुटवेयर डिवाइस, ठीक है, सी किताब छपाई, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए बैंक। ठीक है, बैंक आपका चुंबकीय स्याही गुण पहचान क्या करता है, ठीक है काम। तो 45 का क्या आंसर है? ए बैंक। क्वेश्चन नंबर 46, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? ठीक है, ए मदरबोर्ड, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी की सी कीबोर्ड, या डी सेमीकंडक्टर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी कीबोर्ड। कीबोर्ड ही सबसे ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? ठीक है, ए डाई लेजर, बी सेमीकंडक्टर लेजर, सी एक्सरसाइज लेजर, या डी गैस लेजर। ठीक है, तो 47 का सही आंसर क्या है दोस्तों? डी गैस लेजर। गैस लेजर क्या होता है? लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, ठीक है। आइए 48, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? ठीक है, कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही आंसर क्या है? सी माउस, ठीक है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट नहीं है? ड्रमे पेन प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स, या डिजिटल कैमरा। तो आपका सही आंसर क्या है 49 का? 49 का सही आंसर है आपका डी, ठीक है, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। 50, एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? ठीक है, इंटेलिजेंस टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। बी, यह एक बड़े सीपीयू का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर कर सकता है। सी, यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है। डी, यूजर को डेटा प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको सब आंसर मिल गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले बार हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे। ये क्वेश्चन सभी आपके फंडामेंटल से रिलेटेड हैं, ट्रिपल सी के सिलेबस से रिलेटेड हैं, और ये आपके सिर्फ ट्रिपल सी में नहीं और भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।